हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5, और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करो और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे क्लास फोर्थ के मैथ पे क्लिक करो और जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हो। अगर फिर भी आपको ये पूरे डाउट क्लियर है तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 है, किन बातों को सीख लेना है जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। तो देखो हमें कह रहा है लर्निंग डिविजन्स बाय सॉर्ट डिवीजन मेथड, राइट। तो कह रहा है लर्निंग डिवीजन बाय सॉर्ट डिवीजन मेथड से हमको क्या करना है, डिविजन्स करना है, राइट। और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, बहुत ईजी भी है बच्चों, इससे आप एक मिनटों तक है बहुत दूर, सेकंडों में आप आंसर दिखा सकते हैं। सो क्या है जी, तो देखो फॉर शॉर्ट डिविजन्स के लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू लर्न आवर मल्टीप्लीकेशन टेबल। मतलब शॉर्ट डिविजन के लिए आपको क्या होने चाहिए, मल्टीप्लीकेशन यानी टेबल्स आनी चाहिए, राइट। सो शॉर्ट डिविजन्स इज क्विकली डन विथ मेंटल कैलकुलेशन, राइट, जिसको हम लोग मेंटल कैलकुलेशन कहते हैं, दिमाग से कैलकुलेशन। नो सॉल्यूशन इन सो एज अ लॉन्गर डिविजन, बिना लंबा सॉल्यूशन का आप आंसर दे सकते हो, राइट। चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो फाइंड कह रहा है 366 को 3 से करना है, राइट। तो सिंपल है, बिना लॉन्ग डिविजन का 1s और 10s ले लिया इन्होंने और 3 से डिवाइड कर दिया। दिस इज द डिवाइजर, राइट। ये क्या होता है डिवाइजर, इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 2, 4 आया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया एंड दैट इज द रिमाइंडर, तीनों बातें आ गया। और अगर रिमाइंडर की बात कर लें तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है क्योंकि 3 से 66 एग्जैक्टली कट जाता है, तो रिमाइंडर आप 0 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस पार्ट इज क्वेसेंट, दिस पार्ट इज डिविडेंड एंड दिस पार्ट इज डिवाइजर। तो डू यू नो, क्लियर हो गया। सेम बच्चों अब यहाँ पे देखिए 83 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1s 10s ले लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 2s 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो 1 है ना बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये हमारा रिमाइंडर है और ये जो रिजल्ट आया ये हमारा क्वेश्चन है और ये जो है बच्चों ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है। तो चारों बातें क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया ना, रिमाइंडर कैसे आप फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करोगे, डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है विद द शॉर्ट डिविजन मैथड में, राइट। तो आप आसानी से समझ में आ गया। चलिए अब देखो बच्चों लॉन्ग डिविजन्स मेथड से कैसे करेंगे, ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको पता है। तो डिवाइड 755 बाय 9 यूजिंग द बोथ लॉन्ग डिविजन मेथड एंड शॉर्ट डिविजन मेथड। तो आपको दोनों मेथड से कह रहा है, लॉन्ग डिविजन मेथड से भी कह रहा है और शॉर्ट डिविजन मेथड से भी कह रहा है, राइट। तो देखो लॉन्ग डिविजन मेथड की अगर हम बात कर ले तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 1s 10s 100 दे रखा है, तो 1s 10s 100 ये लिख लिया है, आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बट हाँ अगर इस तरह से करते हैं कि आपको इजीली क्विकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप, 100 तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 8 से डिवाइड किया जी तो 9 8 जाए क्या होता है 72, तो 72 लग गया। तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, सॉरी 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ गया, 7 7 कैंसल्स, अब आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 4 जा 32, तो 32 लगा दिया, 3 रिमाइंडर आ गया, राइट। तो जो इसमें हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो 94 जो है ये क्वेश्चन आ गया और 3 क्या हो गया रिमाइंडर। दैट्स मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड की बात कर लो तो 8 से डिवाइड करो, 0 का 0 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 9 8 72 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या लग गया 4 और रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज अ क्वेश्चन आ गया बच्चों, और ये जो हमारा रिमाइंडर होता है, और ये दो चीज तो आपको दिया हुआ है, इसको हम डिवाइडेंट बोल देते हैं, इसको डिवाइजर बोल देते हैं, तो चारों पार्ट निकल के आ गया। तो आपने देखा बच्चों कैसे शॉर्ट डिविजन मेथड से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे और लॉन्ग डिविजन मेथड से आपको ऑलरेडी पहले से भी आता होगा, राइट। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चंस हैं और आपको सॉल्व कैसे करना है, तो ये दो मेथड के बेस पे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग बाय शॉर्ट डिविजन मेथड, राइट। किससे हमें करना है, शॉर्ट डिविजन मेथड। तो अभी मैंने आपको शॉर्ट डिविजन मेथड अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट, फिर भी इन क्वेश्चनों को बच्चों मैंने सेपरेट सॉल्व कर रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, है ना। चलो तो दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखो 88 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 22, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा।
अब 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 24 आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। 66 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 से डिवाइड करोगे तो 12, तो दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से आप शॉर्ट और डिवीजन मेथड का आप यूज करके आसानी से बिना नो सॉल्यूशन बड़ा कैलकुलेशन किए हुए भी आप आंसर्स लिख सकते हैं इन छोटे डिविजन्स का। क्लियर? चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, सी में देखो, ई में 49 है, 49 7 7 जा 49 7 आ जाएगा क्वेश्चन। 99 में करोगे तो क्या होगा, 9 11 जा 99, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा आपको, है ना। देखो यहाँ पे 6 है तो पहले 4 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, बच गया 2, 2 और 4 क्या होगा, 24। तो 24 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली कट जाए, 6 4 जा 24 हो गया, तो कैंसिल हो गया, 16 आ जाए। यहाँ पे देखो 8 10 जा 80, तो दैट इज द आंसर, राइट। तो आई होप ये सभी मेथड इजी लगा होगा आपको और आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। तो ये मेथड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, है ना। शॉर्ट डिवीजन मेथड से सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, 694 को 7 से डिवाइड किया हमने, तो देखो यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे देखो 6 तो कटेगा नहीं ना, तो आप चाहो तो यहाँ पे 0 ले सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 का, है ना, इसलिए मैंने 0 नहीं लिया। आप चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब ये बन गया 69 में क्या होगा, तो 7 9 जाए क्या होगा, 63 63, तो यह आ जाएगा, फिर वही लग जाएगा, बट एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये जो है इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, और ये जो वैल्यू होता है ना, ये हमारा क्वेश्चेंट होता है, और ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है, ये तो पता ही है। सेम बच्चों यहाँ पे ये 5 से एग्जैक्टली कट जा रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। आपको पता है पहले 1 से लगाओगे, फिर 7 से, फिर 3 से लग जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए 8 से ये पूरा डिजिट कट रहा है, 46 से कट जा रहा है। यहाँ पे 974 है, 4 से क्या कर, 2 से लगाओ, फिर 3, 4 से लगाओ, फिर 3, और ये जो 2 बच गया, ये 2 क्या है बच्चों, रिमाइंडर है, है ना। तो ये चीजें ध्यान से अच्छे से याद रखना आप, है ना। चलो अभी में देखो बच्चों 679 है, 9 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 75, और 4 इसकी रिमाइंडर बच जाएगा। जब आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये था आपका एक शॉर्ट डिविजन मेथड, जिसमें आपको जो है रिमाइंडर भी बच रहा है, इन सभी में रिमाइंडर नहीं बच रहा था, बहुत आसानी लगा आपको, यहाँ पे रिमाइंडर भी बच रहा था, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब थर्ड क्वेश्चन में देखो कह रहा है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बाय बोथ द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने तो बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, बट शॉर्ट डिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, तो इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी कैलकुलेशन को और स्ट्रांग बना सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप समझ पाओगे। तो देखो 7458 को 2 से अगर हमने शॉर्टकट से डिवाइड किया, तो 3729 ये हमारा क्वेश्चन आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। तो ये कौन सा मेथड था बच्चों, शॉर्टकट मेथड था। ये क्या था, शॉर्ट डिवीजन मेथड, SDM कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, SDM कह सकते हैं। और ये जो बच्चों ये क्या है, LDM है ना, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इस तरीके से डिवाइड किया, पहले 3 से लगाया, फिर 7 से लगाया, फिर 2 से, ये थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाता है, और ये कैलकुलेशन आपने बहुत पहले कर भी चुके होंगे, ठीक है। तो बी का देखो बच्चों शॉर्टकट मेथड से हमने करा, बी में 6487 है, 3 से डिवाइड करोगे तो 2162, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चेंट, और ये रिमाइंडर आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप खुद करेंगे और आंसर यही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर यही आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, ये चीज ध्यान रखना। सी में देखो बच्चों 3849 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चेंट ये आ जाएगा 641, और रिमाइंडर ये आ जाएगा। सेम यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। डी में देखिए 7254 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 806 आएगा, और इसमें रिमाइंडर नहीं है, एग्जैक्टली कट जा रहा है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली कट जाएगा। ई में देखिए 2476 है, 7 से डिवाइड करो तो क्या 353 आ जाएगा क्वेश्चन, और ये 5 क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर निकल के
आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, इनमें जो है सबसे पहली बात क्या है कि आप चाहो तो इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से भी चेक करके देख सकते हो, आंसर यही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो आई होप आपको शॉर्ट डिविजन मेथड और लॉन्ग डिविजन मेथड आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।